तो पहला हमारा जो होगा उसमें आपको बताएंगे कि आप बम्बू की सहायता से और जो आपका कंबल है इसकी सहायता से आप कैसे स्ट्रेचर बनाते हो। इसके लिए आपको जो जरूरी सामान चाहिए उसमें चाहिए बस आपको एक कंबल, दूसरा आपको दो पोल, जैसे वहाँ सामने इतने सारे पोल्स दिख रहे हैं और आपके पास जैसे ये हमारे पास दो पोल्स हो गए। आपको क्या करना, सबसे पहले आपने कंबल को पूरा बिछा दिया नीचे, ठीक है। उसके बाद जो कंबल का 1/3 पोर्शन है वहाँ पे आपने पहला जो आपका बम्बू का पीस था उसको लगा दिया, ठीक है। और जो छोटे वाला पोर्शन जो बचता है उसको इस साइड से टर्न कर दिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, जितना पेशेंट की विड्थ है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, दूसरा जो आपका पोल था उसको लगा दिया और बाकी जो लंबा वाला पोर्शन बचा है उसके दो फोल्ड लगा के उसके ऊपर रख दिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, आपका जो इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर था वो बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई लेट ना जाता है तो है ना, आ जाओ शाबाश, लेट जाओ इसके ऊपर, रिगेल 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 एक्टिव अलि परस क्या नाम है मलाई त लोपासे भन्छ। बहुत बढ़िया, अरे बापरे, किस दिन को क्या करना है, उठा के हॉस्पिटल तक ले जाना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये कॉर्ड भी अगर वायर है मोटी सी, उससे आप क्या कर सकते हो, इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बना सकते हो। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो आपके दो पोल है उनको इस तरीके से अपने कंधे के बराबर मोटाई में इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। रस्सी के सिंपल फोल्ड मारते जाना है एक एक लूप बनाते हुए। पहले आपने यहाँ पे नॉट लगा दी, उसके बाद एक लूप डाल दिया और यही लूप आपको क्या करना है, बार बार रिपीट करते रहना है। इस तरीके से इस तरीके से आपका क्या हो गया, रस्सी की सहायता से आपका स्ट्रेचर बन के तैयार हो गया। अब कोई और है जो आना चाहता है फिर से, अरे वाह, लेट जाओ लेट जाओ, शॉर्टन तो थोड़ा सा आगे चला दीजिए, बस सो जाओ, चुट 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 तो थोड़ा घुमा के लाओ, थोड़ा सा आपको बता दिया दो तरीकों से, तीसरा जो सबसे आसान तरीका बनाने का वो है आपका बोरे की सहायता से। बोरे स्कूलों में बहुत सारे मिल जाएंगे, बोरे घर में नासी तो आपके घरों में तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, कोई चावल का हो गया, सीमेंट का हो गया, किसी का भी हो गया। आपको क्या करना है, जो बोरा है उसका जो सीड पोर्शन होता है उसमें आपको क्या करना है, दिखा दो थोड़ा सा, दो जो आपके होल्स हैं इसमें कर दिए, ठीक है, और वहां से एक एक पाइप घुसा देना है। अरे वाह,
आप जी ना तो ये तो ओह ये सजी लगे ओहो अरे वाह तो ये जब बैठ रहे चलते हैं ना गरम बात आ गरम लेते सकते हैं अरे वाह आई ना तो बोल रहे गरम हो जाए ना तो आई ना तो साइड बड़ा फाट नहीं हुई है ओके 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 मैं भी जस्ट तो लाइज़ थाम सा बने कस्तो खुशी हो बहुत बढ़िया लो आराम से जाना जैसे मान लीजिए कोई ब्लीडिंग गिर जाती है तो उसके अंदर जो पेशेंट जो फंसे हैं उनको उन तक अप्रोच बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जो दीवारें हैं उनको काटना पड़ता है अगर मान लीजिए स्लैब है तो स्लैब को भी तोड़ना पड़ेगा अगर मान लीजिए कोई ट्रेन जो जब ट्रेन डिरेल हो जाती है ट्रेन एक्सीडेंट में क्या होता है तो उस केस में आपके जो पेशेंट है जो दरवाजे वगैरह वो खुलना बंद खुलते नहीं है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है ट्रेन के डब्बे काट के अंदर अप्रोच बनानी पड़ती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जो हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज करना पड़ता है जैसे मान लीजिए कोई हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ से आपको रोप के द्वारा पेशेंट को ऊपर से ग्राउंड तक ले जाना है और मान लीजिए आपके पास कोई जब साइक्लोन आता है तो क्या होता है पूरी की पूरी रोड ब्लॉक हो जाता है उसमें क्या होता है आपके बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं तो पेड़ को काटने के लिए आप कौन सा इक्विपमेंट का यूज करते हैं वो सब आपके सामने हम एग्जीबिशन में रखेंगे नहीं नहीं ठीक है सामने ऐसे जो हमारे जैसे वो आपको एक एक करके टूल्स के बारे में बताते रहेंगे कि इस टूल्स का कौन सा काम है और कौन काम पे आता है क्योंकि आप लोगों ने मैक्सिमम इन इक्विपमेंट्स को देखा होगा बस इसके बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे ये इक्विपमेंट वो है जो हमारे किसी डिजास्टर के दौरान हमारी बस अप्रोच बना पेशेंट तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं जैसे कि आपके सामने हमने कुछ जो इक्विपमेंट्स है वो रखे हैं हमारे पास तो इसमें जो सबसे पहले जो इक्विपमेंट है उसका नाम है हमारे पास इक्विपमेंट इसका नाम है RR100 ठीक है आपने टीवीज मूवीज में बहुत देखा होगा ये हमारे पास किससे चलता है पेट्रोल से चलता है ठीक है इसके अंदर ये हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है ये है इससे आप किसी भी टाइप का आपके पास ऑब्स्टिकल हो उसको आप काट सकते हैं जैसे मान लीजिए आपकी दीवार ईंट की बनी है तो ईंट को काट सकते हैं अगर मान लीजिए कॉन्क्रीट है वहाँ पे कॉन्क्रीट को काट सकते हैं अगर मान लीजिए कोई ट्रेन का डिब्बा काटना है तो उसको भी आप काट सकते हैं इसके अंदर आपके पास तीन टाइप के ब्लेड्स आते हैं जो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है जैसे ये हमारे पास ये कॉन्क्रीट काटने के लिए यूज होगा दूसरा अगर मान लीजिए लकड़ी काटनी है तो लकड़ी के लिए अलग सा ब्लेड यूज होंगे और जो तीसरा अगर मान लीजिए लोहा काटना है आपको कोई शरिया वगैरह काटना है बड़े बड़े पोल्स काटने हैं कोई लोहे का जो पूरा छत काटना है उसके लिए आपके पास एब्रेसिव ब्लेड है वो आपके पास यूज होगा पहला था हमारे पास RR100 ठीक है दूसरा हमारे पास चेनसो कार्बाइड टिप चेनसो यहाँ पे सबसे सबने देखा क्योंकि घर में लकड़ी काटने के लिए इसका यूज करते हैं हम और हम डिजास्टर में इसको यूज करते हैं रोड क्लियरेंस करने के लिए या मान लीजिए कोई लकड़ी का दरवाजा है उसको काटने के लिए ये आपके पास पेट्रोल से चलता है ठीक है इसका यूज होता है मैक्सिमम आपके पास जो रोड क्लियर है उनको हटाने के लिए और जो बड़े बड़े पेड़ है उनको काटने के लिए और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारे पास मीडियम चिपिंग हैमर इसका यूज होता है हमारे पास स्लैब को तोड़ने के लिए अगर मान लीजिए किसी स्लैब के अंदर आपको ऊपर से आपको नीचे जाना है तो आप क्या करोगे इसका यूज करके वहां पे रास्ता थोड़ा जितना आपको अप्रोच चाहिए उतना रास्ता बनाओगे और वहां से नीचे जाके आप पेशेंट को बाहर निकालते ठीक है इसमें आपके पास दो प्रकार के बिट यूज होते हैं एक फ्लैट बिट और दूसरा पॉइंटेड बिट एक बस मार्किंग के लिए और दूसरा तोड़ने के लिए ठीक है और नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारे पास रोटरी हैमरिंग ड्रिल जैसे हमारे जो कारपेंटर वगैरह है जो इलेक्ट्रीशियन है वो भी इसका यूज करते हैं घरों में जैसे फिटिंग वगैरह करते हैं कोई स्क्रू वगैरह डालने के लिए बस हम इसका यूज करते हैं छोटे छोटे होल्स बनाने के लिए होल्स का मकसद क्या होता है हमारे पास जैसे मान लीजिए अगर माने हमें पता करना है कि अंदर कोई विक्टिम फंसा है क्या नहीं फंसा है तो हम क्या करते हैं इससे छोटे छोटे होल बना देते हैं वहां से हमारे पास जो कैमरा होता है कैमरा इंसर्ट करके वहां से अंदर लाइव फुटेज देखते हैं कि अंदर कोई पेशेंट फंसा है या नहीं फंसा है ठीक है रोटरी हैमरिंग ड्रिल से आप कॉन्क्रीट किसी पत्थर की दीवार या लकड़ी में तीनों में आप ड्रिल कर सकते हो और जो लास्ट है हमारे पास RP100 ये बिजली से ये तीनों जो इक्विपमेंट ये बिजली से चलते हैं और ये दो सिर्फ पेट्रोल से चलते हैं इनको चलाने के लिए हमारे साथ में एक जनरेटर रहता है ठीक है
और ये हमारे पास है आरपी सॉइस का यूज भी होता है सिंपली, जहाँ आपके पास छोटी छोटी लकड़ियाँ, जैसे मान लीजिए कोई दीवार जो आपकी खिड़कियाँ हो गया, दरवाजे हो गया, या आपके पास जो शरिया वगैरह हो गया, दीवार की जो रेलिंग लगी है उनको काटने के लिए इसका यूज हम करते हैं। दोनों ये आपके पास लकड़ी भी काट सकता है, दूसरा आपके पास जो लोहा है उसको भी काट सकता है। ठीक है, ये थे हमारे पास जो मेजर इक्विपमेंट्स है जो हमारे पास किसी भी डिजास्टर में यूज होते हैं। थैंक यू खुशबराव साहब। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसको हमने दो सेगमेंट में क्लियर किया। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को काफी पसंद आया होगा और आप इसका मैक्सिमम इस्तेमाल करोगे। एक्चुअली MFR के दौरान जो चीजें हमने आपको बताई कि इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर कैसे बनाना है, ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करना है घर में, जब बोन फ्रैक्चर में कैसे उसको स्टेबलाइज करना है, दीज थिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट अराउंड अस, हमारे आगे पीछे ऑलरेडी है, बट ड्यू टू अ लैक ऑफ इग्नोरेंस हमें पता नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनका इस्तेमाल करोगे घर में, यदि कभी भी डिजास्टर के दौरान या ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी यदि आपको कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो आप इन घरेलू नुस्खों को अपनाते हुए अपनी इंजरी को और बढ़ने से रोकेंगे। एक बार फिर यहाँ के प्रिंसिपल सर, पूरे स्टाफ मेंबर, सभी बच्चों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमें मौका देने के लिए, यहाँ इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए। प्यारे बच्चों, अभी अभी हमें मुझे पता चला इस ग्राउंड के साथ, स्कूल के साथ हमारे काफी पुराने ताल्लुकात हैं, काफी यादें हमारी। 2017 में मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर पोस्टर था, उस समय हम क्रिकेट खेला करते थे यहाँ इस ग्राउंड में, और ग्राउंड की कंडीशन थोड़ी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। मुझे पता चला है कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पर भी क्रिकेट खेला है बच्चियों ने, तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाना जिनका मैं नाम लूंगा। सबसे पहले कुमारी सविता, जिन्होंने जयपुर में क्रिकेट खेला मुझे पता चला, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सविता जहां कहीं भी वो खड़ी हो जाए अपनी जगह पे, अच्छा आप ही है, चलो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। उसके बाद कुमारी आकृति, जो शायद आज नहीं है यहाँ प्रेजेंट, लेकिन उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद बॉयज में भी एक अभिषेक है जिन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली हुई है, एक बार उनके लिए भी तालियां। तो अभिषेक आज है यहाँ पर, नहीं है, चलो ठीक है। इन सभी बच्चों को अपने निकट भविष्य के लिए, आगे इनके मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से, पूरी NDRF टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये था हमारा MFR, और जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए हम, यदि हमें पता होता तो हम जरूर आनंद करते किसी ना किसी वे में, कोई गिफ्ट देकर या कुछ, लेकिन हमें यहाँ अगर पता चला है तो अभी तो फिलहाल हम अपनी ब्लेसिंग ही दे सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा तो हम जरूर उनको रिवार्ड करेंगे। हमारे सिक्किम के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, हम यही दुआ करते हैं कि आगे बढ़े, अपने फ्यूचर में अच्छा नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें। आप प्लेज करते हो तो एक बार तालियां बजाओ जोरदार। हाँ, समझ सकते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अगर आप ये प्लेज करते हैं।